हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की क्लास मेरे सब्जेक्ट से अलग है और बेसिकली आज की क्लास होने वाली है पॉलिटी के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। उसके कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो हो सकता है कुछ और कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लेकर के आऊं इस चीज के, जो कि आपको काम आ सकते हैं आपकी स्टडीज में, वेदर यू आर इन 9th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी ऑल्सो। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो हम रिसर्च करके आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशल डिमांड पर है और इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे हाउ पार्लियामेंट वर्क्स, इंडिया की पार्लियामेंट कैसे काम करती है। इस वीडियो के अंदर इस चीज को जानने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग आज के दिन। तो अगर आपको पसंद आए तो जैसे मैंने बोला आप कमेंट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकेंड लेट्स बिगिन। तो मेरे पास नोट्स हैं और उनकी हेल्प से मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करने वाला हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश के अंदर किस तरह से काम करता है। बेसिकली दिस इज नोन एज लेजिस्लेचर। तो किसी भी सरकार के, किसी भी देश को चलाने के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे जुडिशियरी एक पार्ट होता है, लेजिस्लेचर एक पार्ट होता है। तो उसी कड़ी में आज हम लेजिस्लेचर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी दो तरीके से काम करती है, वन इज सेंट्रल जिसको आप केंद्र कह सकते हैं, और इसका सेकंड पार्ट रहा स्टेट, ठीक है, जिसको हम राज्य कहते हैं। तो केंद्र सरकार हुई, राज्य सरकार हुई, तो ये सब लेजिस्लेचर का हिस्सा है, देश को चलाने का हिस्सा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्योंकि स्टेट का हम, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो जरूर आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो आज हम सेंटर को डिस्कस करने वाले हैं, सेंट्रल को डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ए पार्लियामेंट। इसको हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? पार्लियामेंट को। जहां तक स्टेट की बात है गाइस, तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट के अंदर, जो कि वहां की गवर्नमेंट को चलाती है। वहां का सारा सिस्टम जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दो पार्ट उसके रहते हैं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो आज हम चूंकि पार्लियामेंट को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेंट्रल, ठीक है, तो आज हम सेंट्रल जो है वो पार्लियामेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर दो हाउसेस रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। एंड द थर्ड वन, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम इज प्रेसिडेंट। तीसरा जो पार्ट रहता है वो रहता है प्रेसिडेंट का। तो बेसिकली लेजिस्लेचर जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, सेंटर और स्टेट। सेंटर के अंदर पार्लियामेंट, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल जिसको आप कह सकते हैं। और जब सेंटर पार्लियामेंट की बात करते हैं तो थ्री इसके जो है वो बेसिक पार्ट है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दिस इज द सेंट्रल पार्लियामेंट इज नोन एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब संसदीय लोकतंत्र इसको आप कह सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको तीन इसके बेसिक ऑर्गन बताए हैं, फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, देन लोकसभा और राज्यसभा। गाइस, तो आई एम नॉट अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जो है वो हेड होते हैं, हेड ऑफ द नेशन। प्रेसिडेंट इज नोन एज हेड ऑफ द नेशन। वो अलग बात है कि कुछ बाउंडेशंस रहती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दी गई है, जिनकी वजह से हेड ऑफ द नेशन आप प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं, ना कि प्रेसिडेंट को। लेकिन अगर देखा जाए, ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए, तो प्रेसिडेंट इज नोन एज द हेड ऑफ द नेशन। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब हुआ कि लोग इनको डायरेक्टली चूज करते हैं, चुनते हैं इलेक्शन के अंदर। जब भी एमपी के इलेक्शन होते हैं, इनको एमपी भी कहते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बैठते हैं लोकसभा के अंदर। तो हाउस ऑफ द पीपल से मतलब हुआ कि लोग इनको चुन करके लोकसभा के अंदर जो है वो भेजते हैं। द थर्ड वन इज राज्यसभा, दिस इज नोन एज हाउस ऑफ द काउंसिल, हाउस ऑफ द
काउंसिल, काउंसिल से मेरा मतलब हुआ कि इनको स्टेट लेजिस्लेटिव भेजता है पार्लियामेंट के अंदर, मतलब इनका प्रत्यक्ष तौर पर आप चुनाव नहीं करते, आप इनकी वोट डालने नहीं जाते, आप जिन एमएलए को स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेचर जो काम करता है वहां के जो चुने हुए लोग हैं, वहां के जो आपने भेज रखे हैं वहां के असेंबली के अंदर, वे लोग अपने अपने स्टेट में से राज्यसभा के मेंबर जो है वो भेजते हैं, इनको भी एमपी कहते हैं, इनको भी एमपी कहते हैं, चूंकि दोनों ही पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन ये हाउस ऑफ द पीपल मतलब ये वाले मेंबर आपने चूज करे हैं, और राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो आपने चूज नहीं करे, आपके चूज करे हुए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो इनको चूज कर रखा है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट वैसे देखा जाए तो हेड ऑफ द नेशन भी है, और चूंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये पार्ट है, बट कुछ चीज आपको बता दूं मैं। सबसे पहली चीज, प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में बैठता, ये बैठता ही नहीं है इन दोनों में, ना तो ये कभी इनकी मीटिंग का हिस्सा रहता है ना ही इनकी मीटिंग का हिस्सा रहता है, और लेकिन लेकिन पावर इनके पास ऐसी है कि जब चाहे इनमें से किसी भी हाउस की ये मीटिंग बुला सकते हैं। अब हाउसेस इनको आप हाउसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि लिखा ना हाउस ऑफ द पीपल और हाउस ऑफ द काउंसिल। अब जो लोकसभा होता है ये लोअर हाउस होता है, इसको लोअर हाउस कहते हैं, जो राज्यसभा होता है ये अपर हाउस होता है, और ये यूके की जो प्रणाली है यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी जो डेमोक्रेसी है, जो उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसी से ये सिस्टम लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट लोअर हाउस और अपर हाउस का। तो अपर हाउस जो है वो राज्यसभा और लोअर हाउस जो है वो लोकसभा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताया, ना तो लोकसभा का मेंबर ना ही राज्यसभा का मेंबर, किसी का भी नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी की भी मीटिंग जो है ये बुला सकता है। और जब भी मान लो कोई सेशन नहीं चल रहा हो, सेशन होते हैं शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं, तो कोई भी सेशन अगर नहीं चल रहा हो उसके बावजूद भी अगर प्रेसिडेंट को नीड होती है किसी तरह की इमरजेंसी या किसी तरह के लॉजिकल वे में, वो उनकी मीटिंग को बुला सकता है लोकसभा और राज्यसभा की। और राष्ट्रपति अगर चाहे तो मान लीजिए कोई भी रूल बनना होता है तो इधर इधर बनता है, ऑर्डिनेंस पास होते हैं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो दिस इज ऑल्सो द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकता है और वो डायरेक्टली पास हो जाएगा। इसकी इस ऑर्डिनेंस की पावर उतनी होगी जितनी लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल अगर पास होता है, जितनी उसकी पावर होती है वैसे ही ये भी लागू होगा। ये प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो जब चाहे इनमें से किसी भी हाउस की मीटिंग बुला करके कोई भी रूल कोई भी नियम जो है वो नया देश के अंदर लेकर के आ सकते हैं। और इनकी कुछ अपनी पावर भी रहते हैं गाइस, तो जैसे इनकी चार जो मुख्य पावर है वो, वन इज लेजिस्लेटिव पावर जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जुडिशियरी पावर भी जो है इनकी शक्तियों में, अगर मैं राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करूं तो लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर भी, गाइस एग्जीक्यूशन में भी इनके हाथ में सुप्रीम पावर होती है, जुडिशियरी के भी ये हेड होते हैं, ठीक है। और लेजिस्लेटिव के तो मैंने आपको बताया किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी इंस्पाइट ऑफ दैट ही कैन रिकॉल द मीटिंग और ही कैन पास द ऑर्डिनेंस, एंड द ऑर्डिनेंस विल हैव द सेम पावर जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए बिल के पास होती है। देन इमरजेंसी पावर इनके पास होती है। तो बेसिकली जो है ये चार शक्तियां इनको दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और इमरजेंसी। इन स्थितियों में जो है वो देश को चलाने का काम प्रेसिडेंट साहब जो है वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर, लोकसभा। अब चूंकि हम लोकसभा राज्यसभा को डिस्कस करने वाले हैं, तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताया, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे रहेंगे वो हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे लोकसभा और राज्यसभा को, कि क्या उनकी स्पेशलिटी है और उनके मेंबर्स के पास कितनी पावर होती है, क्या कुछ होता है वो डिस्कस करेंगे। तो इसको हम एक कंपैरेटिवली स्टडी करने वाले, तो इधर हम लोकसभा एंड इधर जो है वो राज्यसभा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो लोग जो है लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको पीपल ऑफ द कंट्री जो है वो चूज करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो राज्यसभा होते हैं उनको जो अपनी विधानसभा होती है, ठीक है, जो विधानसभा के चुने हुए जो मेंबर होते हैं जो स्टेट असेंबली के अंदर होते हैं वो लोग इसको चूज करते हैं, वो लोग इसका चुनाव करते हैं। दूसरा क्या है, लोकसभा के जो एमपी होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं, ठीक है, जबकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं जो एमपी होते हैं वो 6 ईयर्स के लिए होते हैं, 6 ईयर्स के लिए जो है ये चुने जाते हैं। उसके बाद इसमें लेकिन एक स्पेशलिटी है, ये 5 साल के लिए चुनने के बाद 5 साल तक ही काम करते हैं,
लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर जो है कि चूंकि परमानेंट हाउस है तो हर 2 साल के बाद, क्योंकि ये सभी का चुनाव एक साथ नहीं होता है, देखिए इन सभी का चुनाव एक साथ होता है, इलेक्शन होते हैं जो जनरल इलेक्शन होते हैं देश के अंदर, उन जनरल इलेक्शन में आप एमपी को जो है वो चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टेट इलेक्शन भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं, क्योंकि पूरे देश में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी में इलेक्शन कभी भी एक साथ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी गुजरात में इलेक्शन हुए, ठीक है, उससे पहले पंजाब में इलेक्शन हुए, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए, दिल्ली में कभी हुए, हरियाणा में कभी हुए, तो इस तरीके से इलेक्शन होते हैं। तो हर 2 साल बाद सिस्टमेटिकली जो है ये 1/3 जो मेंबर है इसके, 1/3 मेंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहां से हटते रहते हैं, न्यू मेंबर जो है वो ऐड होते रहते हैं स्टेट वाइज, ठीक है। उसके बाद लोकसभा की बात कर लेते हैं गाइस, कुल मिलाकर के 552 मेंबर्स इसके अंदर रहते हैं लोकसभा के अंदर, जिसमें 530 ठीक है और जो है वो स्टेट से चूज करे जाते हैं मेंबर्स, ठीक है। 20 मेंबर्स जो है इसके रहते हैं यूनियन टेरिटरीज से, जैसे दिल्ली है या चंडीगढ़ है, ठीक है, लक्षद्वीप, तो ये सबसे जो है वो 20 मेंबर्स जो इसके चूज करे जाते हैं। उसके अलावा जो दो लोग होते हैं, दो लोग जो है वो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन से मतलब हुआ ये वो लोग होंगे जो बाहर से इंडिया में आकर के रहने लगे और यहीं के अब निवासी वो बन चुके हैं। तो इस तरीके से जो है 552 मेंबर्स टोटल जो है वो लोकसभा के अंदर हो सकते हैं मैक्सिमाइज करके। फिलहाल की अगर बात करें तो इसमें टोटल मिलाकर के हमारे पास 545 यानी कि 545 मेंबर्स करंटली लोकसभा के अंदर है, इसमें 543 का आपने चुनाव किया था और दो लोग जो है इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 250 मेंबर्स जो है वो मैक्सिमाइज करके हो सकते हैं, 250 मेंबर इसमें हो सकते हैं, इसमें 238 जो रहते हैं वो स्टेट से जो है वो भेजे जाते हैं चूज करके। उसके अलावा इसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं वो 12 मेंबर्स गाइस प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति महोदय जो है वो इनका चुनाव करते हैं अपनी तरफ से। इसमें कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है, कभी मेरे पास भी कॉल है कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, हालांकि मेरे पास कॉल नहीं आएगा, लेकिन जो सुप्रसिद्ध सुविख्यात हमारे देश के लोग हैं उनमें से किसी न किसी को जो है वो हर बार राष्ट्रपति जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेजते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो ये फिलहाल का आंकड़ा है, और फिलहाल अगर बात करें तो 245 मेंबर्स फिलहाल जो है वो राज्यसभा में है, जिसमें 233 जो है वो स्टेट शेयर है, ठीक है गाइस, 233 फिलहाल ये आपको बता रहा हूं, और उसके अलावा 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट ने चुन करके बिठा रखे हैं राज्यसभा के अंदर, और ये आंकड़े बदलते रहते हैं, ऐसा फिक्स नहीं कि 233, ये बदलते रहते हैं जितनी बार भी जनरल स्टेट इलेक्शन जो होते हैं उसके बाद ये आंकड़े बदलते रहते हैं। इधर भी ऐसा कभी कोई किसी कुछ हो गया, मर गया, कोई सीट खाली हो गई, तो ये भी आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन एक आंकड़ा फिक्स है, मोर देन 250 नहीं होंगे, मोर देन 238 जो है वो स्टेट के हिस्से में नहीं आएंगे, मोर देन 12 प्रेसिडेंट नहीं चूज करेगा। इस साइड अगर बात करें तो 543 का इलेक्शन होगा, ठीक है, उसके अलावा यहां पर जो दे रखा है 530 जो है वो स्टेट्स, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन, ये चेंज नहीं होगा, ये पैटर्न चेंज नहीं होगा। हाँ, सीट्स जो है नंबर ऑफ सीट्स वो बदलती रहती है इलेक्शन टू इलेक्शन। उसी बात आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एज की, तो एज की जहां तक बात है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम जो एज है कम से कम जो होनी चाहिए वो है 25 ईयर्स का कैंडिडेट को होना जरूरी है इलेक्शन लड़ने के लिए लोकसभा का। तो एज की अगर बात करें तो 25 रहेगी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा का इलेक्शन अगर लड़ना है आपको तो फिर आप जो है वो 30 की आपकी एज जो है वो होनी चाहिए। जहां तक बात है इलेक्शन की, तो जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट पास्ट द पास्ट मेथड, मतलब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल 4 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, ए बी सी डी, ए को मिले 2 लाख वोट, बी को मिले 3 लाख वोट, सी को मिले 2.5 लाख वोट और डी को मिले 4 लाख वोट, हालांकि इन सबका मिलाकर के इनसे ज्यादा है, लेकिन चूंकि इन जितना किसी का नहीं है
तो ये चूज करे माने जाएंगे, मतलब कि जो सबसे ज्यादा आंकड़े को पार कर लेगा, मतलब 50% की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कम से कम 50% वोट आपको लेकर के आनी, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जिसकी जितनी ज्यादा वोट होगी, सबसे मैक्सिमम जिसकी वोट होगी वो जो है वो जीता हुआ माना जाएगा, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। एमएलए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इनका चुनाव होता है। एमएलए प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि किस एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितनी जनसंख्या है, तो उस एमएलए की वोट की वैल्यू भी उसी के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है कि कितने लोगों ने उसको चूज करके भेजा हुआ है, उस आधार पर जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो लोकसभा का जो हेड होता है, स्पीकर यहां का हेड होता है, जिसका लोकसभा के मेंबर्स मिलकर के चुनाव करते हैं लोकसभा के अंदर, उस हाउस के अंदर। राज्यसभा का अगर हम बात करें, हेड जो रहता है वो है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, जो कि राज्यसभा के हेड जो है वो माने जाते हैं। और लोकसभा में जो स्पीकर है वो ओम बिड़ला जी हैं फिलहाल में मौजूदा। तो यहां पर स्पीकर हेड है और वहां पर वाइस प्रेसिडेंट हेड है। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं, एक और चीज मैं आपको यहां पर ऐड कर दूं, लोकसभा के अंदर मनी बिल पास हो सकते हैं, मतलब बिल की अगर बात करें तो मनी बिल। अब मनी बिल क्या होता है, शॉर्टकट बता दूं, जिसके अंदर एक से ज्यादा मैटर हो, जिसके अंदर एक से ज्यादा मैटर इन्वॉल्व हो, कोई चीज इंपोज करने की बात हो, उन सभी को मनी बिल कहा जाता है। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो एक मनी बिल बेसिकली क्या होता है, उसके ऊपर हम कुछ छोटी वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में डायरेक्टली कोई बिल पास नहीं होते हैं, वहां पर बिल जाते हैं कंसिडरेशन के लिए। समझ इस बात को, राज्यसभा के अंदर जो बिल जाते हैं वो केवल और केवल कंसिडरेशन के लिए जाते हैं। कंसिडरेशन से मतलब हुआ कि लोकसभा के अंदर उसको पारित कर दिया गया, किसी भी पार्टी जिसकी मेजोरिटी थी, उसके बाद वो कंसिडरेशन मतलब दोबारा रीडिंग उसके ऊपर होगी, दोबारा बहस उसके ऊपर होगी, दोबारा चर्चा उसके ऊपर होगी। ऐसा नहीं है कि लोकसभा ने बोल दिया देन इट्स फाइन, नहीं, उसको दोबारा कंसिडर किया जाएगा, सही है गलत है, हो सकता है लोकसभा के मेंबर से कुछ गलती हुई हो, और राज्यसभा के अंदर ये देखा जाए कि इस बिल का कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, तो आगे चल करके हो सकता है बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जो यहां पर पास होते हैं लेकिन यहां पर पास नहीं होते हैं। तो दिस इज द पैटर्न। और जहां तक बात करें पावर्स की गाइस, तो पावर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जो एमपी होते हैं दोनों की पावर सेम ही होती है, दोनों की जो सैलरी होती है वो भी सेम ही होती है, दोनों को जो सुविधाएं मिलती है वो भी लगभग सेम ही होती है। लेकिन एक चीज मैं यहां पर ऐड कर दूं, जो लोकसभा होता है यानी कि ये लोअर हाउस है, राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, लोकसभा टेम्परेरी हाउस इसको कहते हैं, टेम्परेरी हाउस, नोट करें इस बात को, लोकसभा इज नोन एज टेम्परेरी हाउस, राज्यसभा इज नोन एज परमानेंट हाउस। राज्यसभा परमानेंट इसलिए होता है, लोकसभा टेम्परेरी इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, देश में इमरजेंसी की हालात आ जाए तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि फिर से बता दें, लोकसभा के मेंबर्स को हम लोग चूज करके भेजते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को हम नहीं चूज करते बल्कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है इसको चूज करते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और लोकसभा जो है वो टेम्परेरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, और भी कई सारी सिचुएशंस में। लेकिन जहां तक बात है पावर्स की, कि भाई आपको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग चलाना है, ये बहुत सारी पावर्स ऐसी है जो लोकसभा के एमपीज के पास भी है और राज्यसभा के एमपीज के पास भी है। तो दीज आर द पावर्स की जहां तक बात है दोनों की सेम है, और आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से बता दूं, भले ही आई एम नॉट अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट इस वीडियो के अंदर हमने पूरी कोशिश करी कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। अगर आपको किसी भी एक कॉन्सेप्ट पर इनमें जो हमने समझाया उनमें से कोई एक चीज इसकी डिटेलिंग आपको चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं, और कैसा एफर्ट रहा वो भी कमेंट करके बताएं। और ये था हाउ पार्लियामेंट वर्क्स इन इंडिया, इसके अंदर हमने लोकसभा को स्टडी किया, राज्यसभा को स्टडी किया, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई, मैंने आपको यही बताया कि ऊपरी तौर पर प्रेसिडेंट इज नोन एज द हेड ऑफ द नेशन, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशंस की वजह से इन एक्चुअल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नोन एज हेड ऑफ द नेशन, नॉन ऐसा नहीं कहेंगे लेकिन माना उन्हीं को जाएगा,
ठीक है। और दूसरी चीज क्या गाइस, आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, ये किसी एग्जाम के अंदर आपके सामने आ सकती है। प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होता है और जो देश का पीएम होता है, अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे इनका भी इलेक्शन होता है पीएम का, लेकिन पीएम जो है वो अपॉइंटेड होता है, इलेक्टेड नहीं होता है। यानी कि हमारे देश का कोई भी नागरिक प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देता है, चुनाव में उनको नहीं जितवाता है, हम अपने अपनी जगह से जो है वो एमपीज को चुन करके भेजते हैं। अब वो सब एमपीज मिलकर के किसी एक आदमी को अपने टॉपिक पहनाते हैं कि हमारी तरफ से ये आदमी है, फिर प्रेसिडेंट उस इंसान को उस पार्टी की तरफ से अपॉइंट करता है। किस पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करता है, उनको शपथ दिलाता है और सारा कामकाज जो है वो देखता है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन की तरह नहीं होता है। तो जितने भी लोग हाउस में बैठे होते हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, वो लोकसभा के मेंबर हैं, एमएलए हैं, वो सभी लोग वोट डालते हैं और डायरेक्ट प्रेसिडेंट की ही वोट डाली जाती है। मतलब कैंडिडेट डायरेक्टली अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल जब एमपीसी इलेक्शन होते हैं देश के अंदर, जनरल इलेक्शन उनको कहते हैं जब वो होते हैं, तो आपके जो आपका जो एरिया है, आपका जो इलाका है, वहां से जो भी इंसान आपके पास वोट मांगने आएगा वो कहेगा कि मुझे वोट दीजिए। वो ये नहीं कहेगा कि एक प्रधानमंत्री को वोट दीजिए या फिर मैं प्रधानमंत्री बनने वाला मुझे वोट दे दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। तो आपसे तो कोई ना कोई वोट मांगने आता है जो भी आपके वहां से इलेक्शन में खड़ा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जब वोट मांगता है तो अपने लिए मांगता है। मतलब कोई कैंडिडेट अगर प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ है और जो लोग वोट दे रहे हैं वो जिसके लिए वोट डाल रहे हैं वो वोट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के खाते में जा रही है। लेकिन एमपी जब आप चूज करते हैं तो आप एमपी चूज करेंगे, क्या पता आपने जिस एमपी को वोट दी वो बनेगी ना, ठीक है। क्या पता जिस पार्टी का आपके वहां से एमपी बना है उस पार्टी की सरकार ही ना बने, तो जाहिर सी बात है। तो पीएम को तो आप डायरेक्टली वोट कभी कर नहीं सकते हैं, इसलिए पीएम हमेशा अपॉइंटेड होता है बाय प्रेसिडेंट। किस तरह से होगा, जो भी मेजोरिटी में पार्टी होगी उस पार्टी का जो हेड, जो लोग चूज करेंगे सभी एमपीज मिलकर के, उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होता है। तो इस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि क्यों पीएम जो है अपॉइंटेड है और क्यों प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, वो भी मैंने आपको यहां पर समझाया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपके काम आएगी आपके एग्जाम के अंदर। और अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी तमाम सारी एजुकेशनल, मोटिवेशनल, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस के लिए। थैंक यू।